दोस्तों राजस्थान में सुबह से ही वोटर्स वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। हालांकि सुबह से ही परेशानियों का सामना देखने को मिल रहा है, कहीं पर ईवीएम खराब है तो कहीं पर हंगामा हो रहा है, तो कहीं पर लोग वोट डालने को लेकर ही नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पूर्ण रूप से वोट नहीं डालेंगे, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी जानकारी आपको ये दे दें कि ऐसा पहली बार राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि वोटिंग के दौरान ही लोगों की राय, लोगों की रुझान जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन होगा या फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, ये जनता के जरिए कहा और बताया जा रहा है। तो चलिए आपको बता दें कि क्या हो रहा है राजस्थान में और जनता किस ओर जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि दोस्तों कई ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो इस बात को शेयर करते हुए, ट्वीट करते हुए जानकारी साझा कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। जी हाँ, आज मतदान के दिन ही इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि गोदी मीडिया के रिपोर्ट्स की अगर बात करें, ओपिनियन पोल्स की बात करें, तो आपने देखा होगा कि गोदी चैनल्स ने सीधे तौर पर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को विजय घोषित किया है। कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में सरकार बना रही है, कांटे का टक्कर नहीं है, बल्कि इस बार बीजेपी ही यहां पर अपने सर पर सेहरा जो है, ताज जो है वो सजाते हुए नजर आ रही है। हालांकि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो काउंटिंग वाले दिन ही पता चलेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तरफ से ये दावा कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है राजस्थान हार रही है। जितनी कॉन्फिडेंस के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार बन रही है, उतनी ही कॉन्फिडेंस के साथ आज वोटिंग वाले दिन सीधे तौर पर अशोक गहलोत का भी बयान आ रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बगावत जो है राजस्थान में बीजेपी को ले डूबी, प्रधानमंत्री के प्रचार प्रसार को ले डूबी, क्योंकि उनका प्रचार प्रसार भी यहां पर काम नहीं आया है। सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी है और नेता भी, उनके जरिए ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की जा रही है दोस्तों कि राजस्थान में बहुत बड़ा खेल हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि साहब के से चिढ़कर महारानी ने भी वोट कांग्रेस को दे दिया है, यानी कि कहा जा रहा है कि साहब से चिढ़कर महारानी जो है वसुंधरा राजे, उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया है, यानी कि बीजेपी में कलह जो है, कलेश, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि बीजेपी के एक विधायक ने बीजेपी के ही केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री पर आरोप लगाया था कि वो भ्रष्टाचारी हैं। हालांकि बीजेपी ने कानून मंत्री पर जांच नहीं बिठाया, बल्कि उस विधायक को ही पार्टी से निकाल दिया। और आपने कई बार मंचों पर भी देखा है कि किस तरीके से वसुंधरा राजे और बीजेपी के बीच तनाव जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला है। और हाल ही के दिनों में एक वीडियो सामने आया था, उस वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिला था कि बीजेपी के प्रत्याशी अमित शाह को कान में कह रहे थे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम मत लीजिए, नहीं तो जनता नाराज हो जाएगी और हम हार जाएंगे। ये वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, वो ये कह रहा है कि बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। अशोक गहलोत का ऊपर से बयान सामने आ जाना, जितनी कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई थी, ठीक आज वही कॉन्फिडेंस चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन अशोक गहलोत दिखा रहे। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि भाजपा आज राजस्थान से गायब हो जाएगी, फिर 5 साल बाद आएगी। ये बयान जो है अशोक गहलोत का है कि आज जो है बीजेपी राजस्थान से उसका सफाया हो जाएगा, आएगी तो सिर्फ कांग्रेस आएगी और अगली बार जब आएगी तो बीजेपी प्रचार प्रसार करने आएगी, क्योंकि इस बार जो है राजस्थान की जनता ने ठान लिया है कि किसकी सरकार बनेगी। आपको कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों, जो मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से राजस्थान में जो है बीजेपी के झंडे को निकाल निकाल कर फेंका जा रहा है। जी हाँ, ईआर कुलदीप यादव नाम के एक यूजर है, ये वीडियो शेयर करते हुए लिखते हैं कि राजस्थान में जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, वहां हिंदू खतरे में नहीं बल्कि भाजपा खतरे में नजर आ रही है। साफ तौर पर अगर आप देख सकते हैं तो भाजपा का झंडा वगैरह जो है उखाड़ उखाड़ कर अभी से ही फेंकना शुरू कर दिया गया है। ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से जो है भाजपा का विरोध हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदुत्व का जो झंडा लहराने की कोशिश की गई थी, तमाम बीजेपी के नेताओं को लगा दिया गया था। इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ तो बार बार हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आए थे कि यहाँ पर तलवारें लहराई जाती है और हमारी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में सीधे बुलडोजर चलाती है। लेकिन वो बुलडोजर वाली भी राजनीति
लगता है राजस्थान में काम नहीं आई है, क्योंकि बीजेपी के झंडों को देख देख कर राजस्थान की महिलाएं जो है वो भड़कती हुई नजर आ रही हैं और साफ तौर पर झंडा वंडा सब फाड़ते हुए दिखाई दे रही है, जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है। दोस्तों आपको क्या लगता है, किसकी सरकार बनने वाली है और बिगड़ने वाली है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।